चलो एक प्रश्न हल करके देखिए। हमारे में प्रश्न है 5 रुपया 25 पैसे को पैसे में बदलो। 5 रुपए 25 पैसे को पैसे में बदलो। चलो इला हल करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम पहले भी हल करे हैं। 5 रुपए और 25 पैसे देखा, यहाँ पैसा है और पैसा को पैसे में तो हमने बदलना नहीं है। हमारे में जो 5 रुपए है ये 5 रुपए हमने पैसा में बदलना है और ये 25 पैसा तो वैसे ही रहे। ठीक है, तो हमें अलग अलग कर लिया धन 5 रुपए और धन 25 पैसे। पिछली कक्षा में मैं तुम्हें बता रहे हैं कि रुपए और पैसा के बीच जो संबंध है, हम देखे रहे हैं कि 1 रुपया बराबर कितना के होते हैं? हाँ, 1 रुपया जो है 100 पैसा के बराबर होते हैं। ये चीज हम तुम लोग पढ़ा रहे हैं। अब हमारे में प्रश्न है 5 रुपए और 25 पैसे। तो ये 5 रुपए हो जाएगी 1 रुपए ले पैसा में बदले पर हम सब गुणा कर देंगे 100 पैसे और ये पहले से है 25 पैसा वाला लिख ली। गुणा कर ले वा दोनों शून्य लगता ली। अब 1 5 5 ये हो गए 500 पैसे और धन ये 25 पैसा पहले के है लिख ली 25 पैसे। 500 और 25 चूंकि ये पैसा दोनों पैसा हो गए तो ये दोनों जोड़ ली। जोड़ा पांच दो पांच मतलब हो गया 525 पैसे। ठीक है, हमेशा याद रखा जब हम रुपया ला पैसा में बदलबो तो 100 के हम कूड़ा करबो और जब पैसा ला हम रुपया में बदलबो तो 100 के भाग करबो। अगला कक्षा में हम देखो कि पैसा ला हम रुपया में कैसे बदलबो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है जब हम रुपया ला पैसा में बदलबो तो 100 के गुणा करबो काबर की 1 रुपया बराबर 100 पैसा होते। लेकिन जब हम पैसा ला रुपया में बदलबो तो हम लोग वही 100 के का करना पड़ी, बिल्कुल सही का करना पड़ी, भाग करना पड़ी। तो हम अगले कक्षा में देखो।